नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदीया से रिलेटेड। जी हाँ, सऊदी के अंधे कानून के बारे में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें कि जितने लोग अच्छे होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं गुण भी होते हैं, खराब बुराई भी हो सकती है, ये मान के चलिए। दो अपडेट में आप लोगों के साथ करूँगा। दोनों इंडियन वर्कर हैं जो दुबई में रह के जॉब कर रहे थे, उनके साथ में क्या हुआ आप देखते रहिए कि कुछ थोड़ी सी छोटी सी गलती आप लोगों को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, जेल तक जाना पड़ सकता है वगैरह वगैरह, कई प्रॉब्लम हो जाती हैं। वहाँ के रबाब भी कुछ इतने हराम ही होते हैं। कल एक बंदे का मुझे कमेंट आया कि आप ऐसे बोल रहे हो, यहाँ नफरत फैल रही है। भाई मेरे, अगर सच्चाई बोलने से नफरत फैलती है तो फैलने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों को, इंडियन लोगों को वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है। मेरे बोलने से वहाँ नफरत फैलती है तो फैलने दो, मुझे कोई वहाँ पे जाके कमाई नहीं करनी है। और आप भी अगर ऐसी उनकी गलत बातों में पक्ष ले होगे तो बिल्कुल गलत बात है ये। दो अपडेट है। एक तेलंगाना का बंदा लगभग 12-13 साल से जॉब कर रहा था सऊदी अरबिया में, और काम कौन सा था, म्युनिसिपैलिटी होती है जो गाड़ियां होती है ना कचरा उठाने वाली, जी हाँ वो उसमें ड्राइवरी का जॉब कर रहा था। दो बंदे और थे। गलती से उसने क्या किया, जो किचन में कोई चाकू पड़ा था, गलती से उसने कार में, अपनी गाड़ी में रख लिया। जी हाँ, और वो गाड़ी गई थी वहाँ सऊदी जेल में कोई जो कचरा उठाने के लिए, साफ सफाई के लिए कचरा लेने के लिए गई। तो आपको पता है जेल में जाती है तो गाड़ी की पूरी तलाशी होती है। तलाशी के दौरान उसके गाड़ी के अंदर चाकू निकल गया। जी चाकू निकल गया, बहुत बड़ा बम, परमाणु बम निकल गया। जी ये तो बड़ा पता नहीं उस चाकू से क्या करने वाला, जबकि न्यूज में साफ साफ है कि रसोई में काम आने वाला चाकू था। अब बताइए जी, वो जेल में ड्राइवर आदमी चाकू गलती से आदमी के पास चला जाता है तो क्या वहां जेल में जाके मर्डर करता? वो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। आज वो बंदा जेल में ही, अब तक उसकी पत्नी बेचारी सब जगह धक्के खा रही है इंसाफ, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं रही। उसके साथ में दो बंदे थे, उनको पूछताछ करके छोड़ दिया और उसको पकड़ लिया। सिर्फ गाड़ी में चाकू था और कुछ नहीं था, लेकिन उसका आप क्या करें भाई, ये सऊदी का अंधा कानून ही है तो क्या है, उसकी छानबीन कर लेते कि भाई ठीक है गलती से आ गया तो उसको छोड़ देना चाहिए ना। सोचने की बात है, चाकू यार कौन सा कोई अवैध हथियार तो घोषित नहीं किया चाकू को। चाकू तो हर आदमी जेब में लेके इधर उधर जा सकता है, या फिर ये तो ये हो कि भाई अलग से कानून बना के आदमी जेब में चाकू लेके घूम नहीं सकता, इसको हम हथियार की श्रेणी में घोषित करते हैं। किचन वाला चाकू था, गलती से चला गया तो ले भाई, ये उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बंदा जेल में, इधर उसकी पत्नी रोती फिर रही है, आप देख सकते हैं। दूसरा एक बंदा सऊदी अरबिया में काफी टाइम से काम कर रहा है, रबाब ने 6 महीने से उसको कैद कर रखा है। जी हाँ, ये मैं बता दूं, ओरिजिनल वीडियो भी है उसका, वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास आता तो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर देता, कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। सऊदी में बहुत सारे ये बंदे ने अपील किए, अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी डाले हैं, जगह का नाम भी बता रहा है कि मुझे निकाल लो। अरबी बोलता है कि 4,000 दराम दो, 4,000 दराम नहीं देगा तो मैं तेरे ऊपर चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डाल दूंगा। और मैं बता दूं, जो आदमी कपिल के साथ थोड़ा सा भी अड़ जाता है ना, कपिल इतने हरामी होते हैं, और आप फैला देना भाई उनके पास, पहुंचा देना मेरे वीडियो, इतने हरामी होते हैं कि वो सीधा धमकी देते हैं कि तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के फंसा देंगे। और ये तो घटनाएं आम लोगों के साथ होती है, वही है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लोग इतने, कितने लोग वहां पे रहते हैं, अगर वो गलती से उनके पास जगह छोड़ देता है तो रिपोर्ट में यही लिखाता है ये बंदा चोरी करके भाग गया, पुलिस पीछे उसके पीछे और वो उसके आगे, ये स्थिति होती है, लास्ट में जेल होके उसको आना पड़ता है। तो ये बंदा बोल रहा है कि मुझे फांसी लेनी पड़ेगी, ये बोलता है सुसाइड के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वो मुझे मारता है, मुझे टॉर्चर करता है, ये बोलता है 4,000 दराम दे वरना मैं तुझे, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम। एक नॉर्मल मजदूर आदमी उसके ऊपर केस की धमकी देता है तो उसके तो 12 बजेंगे ना। आम आदमी चलो जानता है कानून के बारे में, वो इतना नहीं डरता, लेकिन एक गरीब आदमी यार सिर्फ कमाने के लिए गैर, उसको बोलता है विदेश की धरती पे जेल में डाल देगा, क्या बीतेगी उसके ऊपर, क्या उसके, बाकायदा उसने वीडियो डाला, ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी है, आप देख लेना। तो ये है सऊदी अरबिया का अंधा कानून। जी हाँ, तो भाई थोड़ा सा ये वीडियो मेरा आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब है, जो वीडियो देखें वो तो कम से कम सतर्क रहें, वो ध्यान रखें भाई, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सऊदी में जितना सख्त कानून है ना, उनका फिर लोग नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं, वहाँ के लोग भी उठा लेते हैं और सरकार भी अंदर डाल देती है। बस ये जानकारी भी शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।